कुछ लोग अपनी तालीम 22 साल की उम्र में मुकम्मल कर लेते हैं, मगर इनको 5-5 साल तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। कुछ लोग 25 साल की उम्र में किसी कंपनी के CEO बन जाते हैं और 50 साल की उम्र में हमें पता चलता है इनका इंतकाल हो गया। जबकि कुछ लोग 50 साल की उम्र में CEO बनते हैं और 90 साल तक हयात रहते हैं। बेहतरीन रोजगार के बावजूद कुछ लोग अभी तक गैर शादीशुदा हैं और कुछ लोग बगैर रोजगार के भी शादी कर चुके हैं और रोजगार वालों से ज़्यादा खुश हैं। ओबामा 55 साल की उम्र में रिटायर हो गए, जबकि ट्रंप 70 साल की उम्र में शुरुआत करता है। कुछ लेजेंडर इम्तिहान में फेल होने पर भी मुस्कुरा देते हैं, कुछ लोग 1 नंबर काम आने पर भी रो देते हैं। किसी को बगैर कोशिश किए भी बहुत कुछ मिल गया और कुछ सारी जिंदगी बस यहीं ही रगड़ते रहे। इस दुनिया में हर शख्स अपने टाइम जोन की बुनियाद पर काम कर रहा है। ज़्यादातर लोग हमें ऐसा लगता है कुछ लोग हमसे बहुत ही आगे निकल चुके हैं और शायद ऐसा भी लगता है कुछ हमसे अभी तक बहुत ही पीछे हैं, लेकिन हर शख्स अपनी अपनी जगह ठीक है। अपने अपने वक्त के मुताबिक इनसे हसद मत कीजिए, अपने अपने टाइम जोन में रहें, इंतज़ार कीजिए और इत्मीनान रखिए। ना ही आपको देर हुई है और ना ही जल्दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कायनात का सबसे अजीम शान है, उसने हम सबको अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है। वो जानता है कौन कितना बोझ उठा सकता है, किसको किस वक्त क्या देना है। अपने आप को रब की रज़ा के साथ बांध दीजिए और यकीन रखिए कि अल्लाह की तरफ से आसमान से हमारे लिए जो फैसला उतारा जाता है वो ही बेहतरीन है। हर हाल में खुश रहें, सलामत रहें।